दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे सैंडविच फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और साथ ही जानेंगे इस फिल्म से जुड़े कुछ अनसुने फैक्ट्स के बारे में भी। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। सैंडविच सन 2006 में आई एक कॉमेडी थ्रिलर फिल्म थी। इस फिल्म में गोविंदा, रवीना टंडन, महिमा चौधरी, सतीश शाह, श्वेता मेनन, मुश्ताक खान, रीमा लागू, किरण कुमार, मोनिश वेल, अनंत महादेवन, अनंग देसाई, शम्मी कपूर और राज जोशी नजर आए थे। इस फिल्म को अनीस बज़मी ने डायरेक्ट किया था और इसकी कहानी भी उन्होंने लिखी थी और इस फिल्म के डायलॉग्स भी उन्होंने लिखे थे और इस फिल्म को स्मिता ठाकरे ने प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म को कुल 90 स्क्रीन के साथ 25 अगस्त सन 2006 में रिलीज किया गया था। अगर बात करें बजट की तो इस फिल्म का बजट 10 करोड़ था और इस फिल्म ने इंडिया में 48 लाख कलेक्शन किया था। आपको बता दूं कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 9 लाख कलेक्शन किया था तो अपने पहले हफ्ते में 34 लाख कलेक्शन किया था। अगर वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 70 लाख का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया था। फिल्म डिसास्टर साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म के आईएमडीबी रेटिंग की तो इस फिल्म को 5.4 रेटिंग मिले और ये फिल्म सन 2006 की 59th हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही थी। वहीं बात करें म्यूजिक की तो इस फिल्म के लिए म्यूजिक संदीप चौटा, आदेश श्रीवास्तव और सुखविंदर सिंह ने दिए थे। इसके लिरिक्स नितिन रायकवर, सुखविंदर सिंह और देव कोहली ने लिखे थे। इस फिल्म में कुल 8 गाने थे और इसके गाने एवरेज रहे थे। तो चलिए इस फिल्म से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। नंबर 1, ये फिल्म सन 2003 में बनकर तैयार हो चुकी थी लेकिन कुछ कारण से 3 साल डिले होने के बाद सन 2006 में रिलीज हुई थी। अगर ये फिल्म 90 के दौर में बनती तो जरूर सुपरहिट हो जाती। नंबर 2, इस फिल्म का रिमेक बाद में कन्नड़ा में भी बनाया गया था जिसका टाइटल डबल डेकर रखा गया था और ये फिल्म सन 2011 में रिलीज हुई थी। नंबर 3, शिकारी फिल्म के बाद गोविंदा ने इस फिल्म में दूसरी बार नेगेटिव रोल निभाया था। तो दोस्तों आपको ये फिल्म कैसी लगी थी और आप इस फिल्म को 5 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे और ऐसी बॉक्स ऑफिस की कलेक्शन और फैक्ट्स वाली वीडियो चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।